यहाँ से आज हम लोगों को पढ़ना है फिर गौतमी यहाँ से अपना कथन करती है। लिखा है एतवान वधु जनस्य उपदेशः ना, वहाँ से अर्थ जोड़ेंगे पिछले वाले श्लोक से। जब वहाँ उपदेश देने के बाद महर्षि कर्णो कहते हैं कि गौतमी का क्या मंतव्य है, तब यहाँ से गौतमी अपना मंतव्य बताती है। करे एतवान इतना ही वधुजनस्य, वधुजनों के लिए आगे लिखा उपदेशः, इतना ही उपदेश नई नई वधुओं के लिए काफ़ी है, इतना ही उपदेश नई वधुओं को देनी चाहिए, इतनी ही शिक्षा नई वधुओं के लिए पर्याप्त है। ठीक, तो लिखा है एतवान वधु जनस्य उपदेशः, इतना ही वधुजना वधुजनों का जो नई नई वधुओं हैं ऐसी नई नई वधुओं के लिए एतवान उपदेशः, इतना ही उपदेश पर्याप्त है, इतना ही उपदेश काफ़ी है, इतनी ही शिक्षा उनको देनी चाहिए ना। आगे लिखा है जाते, ये कह रहे गौतमी कह रहे जाते पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधारय ना, पुत्री यहाँ जाते पद किसके लिए आया है, गौतमी का रहे पुत्री शकुंतले एतत खलु मतलब निश्चित ही, एतत सर्वम इन सब को, इन सब बातों को अवधारय धारण कर लो, जो आपके पिता के द्वारा बताया गया है, जो उपदेश आपके पिता के द्वारा दिया गया है, एतत सर्वम इन सब को ना अवधारय धारण कर लो, अर्थात इनको ठीक से समझ लो, ठीक से इनका स्मरण कर लो ना, ये आपके ससुराल में आपके काम आएगा, इसलिए यहाँ कह रहे हैं एतत सर्वम इन सब बातों को, जो पिता के द्वारा कही गई बात है इन सब बातों को अवधारय धारण कर लो, स्मरण कर लो ठीक से ना। हाँ गठिया ही लिहू ना, तुम्हें भगवत के जाने न गठिया ही ले जाए हूँ पिता कणव कहते हैं न। हाँ गौतमी कह रही है, तो नीचे लिखा है काश्यप ऋषि कहते हैं वत्स्य पुत्री, यहाँ वत्स्य किसके लिए आया है, कहाँ का रूप है, संबोधन का, लिखा है वत्स्य पुत्री परिस्वजस्व माम सखी जन्म च, परिस्वजस्व गले लगाओ माम मुझको ना, मुझको गले लगाओ, सखी जन्म च और अपनी सखियों को भी गले लगाओ। यहाँ से शकुंतला जाने वाली है, वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं, क्षीर वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं ना, अब यहाँ से शकुंतला आगे बढ़ेगी, यहाँ से ये लोग वापस होंगे, वो सर का तीर है, सरोवर का किनारा है ना, तो यहाँ से अब लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ काश्यप अपने पुत्री से कह रहे हैं परिसजस्व माम सखी जन्म च, मुझको गले लगाओ और अपने सखियों को भी गले लगाओ ना। तो यहाँ माम पद से किसका बोध होगा, काश्यप का, कहाँ का रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, मूल प्रातिपदिक क्या है, अस्मद, तो लिखा है माम मुझको परिस्वजस्व गले लगाओ सखी जन्म च और अपने सखियों को भी गले लगाओ। ठीक, ऐसा कौन कह रहा है, काश्यप। फिर शकुंतला कह रही है कि नीचे शकुंतला तात इतः एव, यहाँ विसर्ग का था, आगे स्वर होने के कारण विसर्ग का लोप हो गया है ना, तो इतः एव यहीं से ही, इतः एव यहीं से ही किम क्या प्रियंवदा अनसूये सख्यौ, प्रियंवदा और अनसूया ये दोनों सखियाँ निवर्तिष्येते लौट जाएंगी। शकुंतला कह रही है कि गले लगाने की बात कर रहे हैं पिता काश्यप ना, मुझको भी गले लगाओ और अपनी इन दोनों सखियों को भी गले लगाओ, तो शकुंतला कह रही है तात पिता इतः एव किम क्या यहीं से ही ये प्रियंवदा और अनसूया ये हमारी दोनों सखियाँ क्या यहीं से ही निवर्तिष्येते लौट जाएंगी ना, ये निवर्तिष्येते कहाँ का रूप है, किस 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 वचन का है, प्रथम पुरुष है, हाँ लिखा है इसका रूप कैसे चलेगा आपका, निवर्तिष्यते निवर्तिष्येते निवर्तिष्यन्ते ऐसे रूप चलेगा ना, तो ये आपका प्रथम विभक्त, इसमें प्रथम पुरुष दो वचन का रूप है, किस लकार का है, उसके बाद ये कहाँ का है, वहाँ लकार कौन सी है, लोट लकार है, कौन कह रहा है लोट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, वहीं लिख लीजिए, यहाँ आदेश थोड़ी ना दे रही है शकुंतला लोट लकार की हो जाएगी, तो पूछ रही क्या हमारी दोनों सखियाँ यहीं से लौट जाएंगी, ऐसा तो नहीं कर रही कि लौट जाओ तुम लोग तब तो लोट लकार का होगा, यहाँ कह रही है क्या हमारी दोनों सखियाँ यहाँ से लौट जाएंगी, हाँ निवर्तित सेते क्या लौट जाएंगी, निवर्तिष्यते लिट लकार का होगा,
क्या यहाँ से हमारी दोनों सखी लौट जाएंगी। यहाँ लिटलकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, ठीक, निवर्तिष्यते निवर्तिष्यते निवर्तिष्यन्ते, ऐसे रूप चलेगा इसका ना। इसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है काश्यप, काश्यप कहते हैं वत्से पुत्री इमे अपिप्रदेय, इमे अपिप्रदेय, इन दोनों को भी अभी देना है। प्रदेय मतलब क्या होता है, इसका मूल अर्थ यही होगा, इमे अपिप्रदेय, इन दोनों को भी, इमे अपि, इन दोनों को भी, इमे कहाँ का रूप है, इदम शब्द का प्रथमा विभक्ति, एक वचन का है, दो लोगों की बात हो रही है, ठीक। लिखा है ये इदम शब्द स्त्रीलिंग किसका है, आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, द्वितीय प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, ये क्लियर करिए, प्रथमा का द्विवचन है कि प्रथमा का द्विवचन है कि द्वितीय का द्विवचन है, कैसे होगा गुरु, इसका है ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, ठीक। लिखा है इन दोनों को भी ना कर्ता ने कर्म को, इन दोनों को भी ना क्या प्रदेये देना है, अर्थात अभी इन दोनों को भी, इन दोनों की भी शादी करनी है, ऐसा इनका कहने का मतलब ना। चलिए लिखा है वत्से पुत्री इमे अपि प्रदेय, अभी इन दोनों को भी देना है, अर्थात अभी इन दोनों की भी शादी करनी है, इसलिए न युक्तम उचित नहीं है, न युक्तम उचित नहीं है अनयोह इन दोनों का तत्र गंतुम वहाँ जाना ना। पिता काश्यप कह रहे हैं अभी इन दोनों की भी शादी करनी है, अतः इसलिए युक्तम न उचित नहीं है, इन दोनों का वहाँ जाना उचित नहीं है। यहाँ अनयोह कहाँ का रूप है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है। लिखा है इदम, इदम का रूप जब चलाएंगे षष्ठी सप्तमी द्विवचन में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा जो अनयोह लिखा है वही बनेगा, तो यहाँ षष्ठी का है, ठीक। तो न युक्तम उचित नहीं है अनयोह इन दोनों का, किन दोनों का, अनसुईया और प्रियंवदा का न तत्र गंतुम वहाँ जाना, वहाँ जाना इन दोनों का उचित नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई है, अभी इनकी शादी करनी है। पिता काश्यप ये भी एक उपदेश देना चाह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो कहीं जाने की इच्छुक नहीं है, आजकल की लड़कियाँ जे खे पहले जाएँ बाकी और कदम बाद में जाएँ न, यहाँ ये उपदेश सीख लीजिए। महर्षि कर्ण कह रहे हैं कि ये इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ उन लोगों का जाना उचित नहीं है, ना आजकल की लड़की जीजे के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, कहीं हमारे क्या हैं स्पेशली फ्रेंड हैं, हाँ दोस्ती वाला व्यवहार हमारे जीजे से बाहर के होश नहीं गया ना। चलिए चलिए, तो यहाँ से कुछ मिल रहा है आपको सीखने को। लिखा है वत्से इमे अपिप्रदेय, अभी इन दोनों को भी देना है, अर्थात इन दोनों की भी अभी शादी करनी है। न युक्तम उचित नहीं है अनयोह इन दोनों का तत्र गंतुम वहाँ जाना, इन दोनों का उचित नहीं है। नीचे क्या लिखा है, फिर शकुंतला पितरम आश्लिष्य, फिर अपने पिता को ये गले लगाती है, ठीक, उनका आलिंगन करती है। कौन वाला छूट गया, अच्छा अच्छा, त्वया सह गौतमी याश्यति, त्वया त्वया सह, यहाँ सह के योग में कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय, इसीलिए लिखा है त्वया सह गौतमी याश्यति, आपके साथ गौतमी जाएगी, ठीक। त्वया सह कह याश्यति, गौतमी याश्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। फिर शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता को गले लगाती है, फिर कहती है कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय मलय तट उन्मीलिता चंदन लता इव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि ना। यहाँ से इसका अर्थ करेंगे, लिखा है कथम इदानीम, इदानीम मतलब इस समय, कथम कैसे, तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, तातस्य अंकात पिता काश्यप की गोद से परिभ्रष्टा छूटी हुई, बाकी इसको छोड़ के नीचे देखिए लिखा है देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, मतलब पिता काश्यप की गोद से छूटी हुई देशांतरे दूसरे देश में जीवितम धारिष्याम, मैं अपने जीवन को कथम इदानीम इस समय कैसे धारण करूंगी ना।
वहाँ जो दो लाए दो सब छोड़े हैं उसका अर्थ बता रहे हैं। यहाँ लिखा है, ये कह रही है कि मैं अपने पिता की गोद से छोटी हुई दूसरे देश में जा करके अपने जीवन को किस तरह धारण करूँगी ना। ये दो छोड़े हैं, लिखा है मलय तट उन क्या मलय तट उन्मीलिता चंदन लता इव, लिखा है मलय तट से उन्मीलित मतलब उखाड़ी गई ना, मलय पर्वत पर से उखाड़ी गई चंदन लता जैसे। देखिए ये है ना, जो चंदन चंदन का जो वृक्ष होता है ना वो केवल मलय पर्वत पर ही होता है, उसको अगर मलय पर्वत पर से और कहीं ले जा करके लगा दीजिए तो वो कितनों जल सींचे वो होगा नहीं वो ना। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार मलय तट से उखाड़ी गई चंदन लता दूसरे देशांतरे दूसरे देश में अपना जीवन धारण नहीं कर पाती है, उसी चंदन लता के समान मैं भी अपने पिता काश्यप की गोद से छूटी हुई देशांतरे दूसरे देश में जा करके कैसे अपने जीवन को धारण करूँगी ना। यहाँ देखिए लिखा है, ये आपका लिखा है मलय तट ना, और क्या है एक शब्द चंदन, चंदन लता ना, मलय पर्वत के समान हो गए आपके काश्यप ना, यहाँ हो गई क्या जो लिखा है अंकश गोद, इसके समान हो गई शकुंतला, बस देखिए मलय पर्वत हो गए काश्यप यहाँ पे ना, तट हो गया जो गोद, जैसे मलय के तट से चंदन लता उखाड़ ली गई है उसे पिता काश्यप की गोद से शकुंतला ना, ऐसे बनेगा। तो मलय तट से जैसे चंदन लता को उखाड़ लिया गया है उसी तरह काश्यप की गोद से शकुंतला छूटी हुई क्या लिखा है देशांतरे देश अंतरे दूसरे देश में जीवितम अपने जीवन को कथम धारिष्यामि, किस तरह धारण करेगी ना इदानीम इस समय, कोई दिक्कत। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मलय कौन हुआ, तट कौन हुआ, चंदन लता कौन हुआ। मलय के तट से उखाड़ी गई है चंदन लता ना, और पिता काश्यप की गोद से छूट रही है कौन शकुंतला ना। चलिए आगे चलें, लिखा है शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता को अपने आलिंगन करती है फिर कहती है कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, इदानीम कथम इस समय कैसे तातस्य अंकात पिता काश्यप की अंक से अर्थात गोद से परिभ्रष्टा छूटी हुई मलय तट उन्मीलिता मलय के किनारे या मलय पर्वत के किनारे से उन्मीलिता उखाड़ी गई चंदन लता इव चंदन लता के समान देशांतरे दूसरे देश में जीवितम अपने जीवन को धारिष्यामि, कैसे मैं धारण करूँगी। किसका कथन है शकुंतला को, ठीक शकुंतला का कथन है। आगे देखिए, आगे फिर काश्यप काश्यप ऋषि कहते हैं, लिखा है वत्से किम एवं कातरा असि, शब्दों को तोड़िएगा अर्थ बनेगा, लिखा है वत्से पुत्री किम एवं ना कातरा अस्मि, एवं इस प्रकार से किम क्यों कातरा असि, कातर पद का अर्थ पूछे जाने लायक है ना। ये काश्यप अपने पुत्री को कह रहे हैं वत्से एवं इस प्रकार से किम कातरा असि, क्यों दुखी हो रही हो, कातर पद का अर्थ है दुखित होना, ठीक। पिता कह रहे हैं पुत्री इस प्रकार से तुम दुखी क्यों हो रही हो ना। देखिए नीचे अब इस ये श्लोक है आपका हरणी छंद में लिखा गया है, कौन इसको पढ़ेगा हरणी छंद, पढ़िए आप लोग पढ़िए फिर हम अर्थ बताते हैं, हम हमसे थोड़ा बनता नहीं है श्लोक श्लोक गायन, पढ़िए आप ही पढ़िए पढ़िए, रुकिए हेलो सब लोग इनके साथ आप वाचन करेंगे एक बार ये फिर आप लोग पढ़िए। क्या हुआ जी आप लोग पढ़ क्यों नहीं रही हैं,
से बैठिए। देखिए लिखा है अभिजन वतो भारतो श्लाघ्य स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैः तस्य प्रतिक्षणम् आकुला तनयम् अचिरात् प्राची इव अर्कम्। शब्द को तोड़ेगा तभी अर्थ बनेगा। प्राची इव अर्कम् प्रसूय च पावनम् मम विरहजाम् न त्वं वत्से शुचम् गणयिष्यसि ना। तो यहाँ से अंतिम लाइन से अर्थ देखिएगा, लिखा है क्या, मम विरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणयिष्यसि। लिखा है वत्से, बीच में क्या लिखा है, वत्से पुत्री। ये कौन कह रहा है, काश्यप कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, तो वहाँ यहाँ वत्से पद से किसका बोध होगा, शकुंतला का। लिखा है वत्से त्वम पुत्री तुम, बन गया दो शब्द का अर्थ, वत्से त्वम पुत्री तुम। यहाँ दोनों किसके लिए, किसके लिए आया है, तो वत्से त्वम पुत्री तुम मम विरहजाम, मह विरहजाम, मह विरहजाम, इसको आप जोड़े, मम मम मेरे विरहजाम ना, विरह से उत्पन्न, जा मतलब होता क्या है, उत्पन्न। वत्से त्वं पुत्रे तुम मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न। आगे लिखा है शुचम, शुचम मतलब शोक, और लिखा है न गणिष्यसि, गणना नहीं करूँगी ना। तो लिखा है वत्से पुत्रे त्वं तुम मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न शुचम न गणिष्यसि, शोक की गणना नहीं करूँगी ना। अंतिम लाइन का अर्थ बन गया, यहाँ मम पद से किसका बोध होगा, यहाँ कौन सा विभक्ति वचन है मम में, षष्ठी विभक्ति एक वचन। लिखा है वत्से पुत्री त्वम तुम मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न, मेरे विरह से उत्पन्न क्या, शुचम शोक ना, मेरे विरह से उत्पन्न शोक को ना त्वम ना गणिष्यस, तुम गणना नहीं करोगी ना। ऊपर की तीन लाइन में बता रहे हैं कि क्यों मेरे विरह के उत्पन्न, मेरे विरह से जो उत्पन्न शोक है उसकी गणना तुम क्यों नहीं करोगी, ऊपर की तीन लाइन में बताएंगे ठीक। तो अंतिम लाइन की अर्थ सब तक पहुंच गई, लिखा है वत्से त्वम मम विरहजाम शुचम न गणिष्यसि, वत्से पुत्रे त्वम तुम मम विरहजाम शुचम, मम विरहजाम शुचम न, मेरे विरह से उत्पन्न शोक को क्या लिखा है, न गणिष्यसि, गणना नहीं करोगी न, मेरे विरह यहाँ मम विरहजाम किम, मम विरहजाम किम, हाँ शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न क्या होगा, शोक। ऐसे शोक की गणना कौन नहीं करेगी, शकुंतला नहीं करेगी, कौन कह रहा है, तो मेरे विरह से जो उत्पन्न है ऐसे शोक की तुम न गणिष्यस, तुम गणना नहीं करोगी, बन गया अर्थ ना अब ठीक। ऊपर की लाइन में देखिए क्यों नहीं ये गणना करेगी, ऊपर की तीन लाइन में बता रहे हैं न। तो लिखा है अभिजन वतः भरतु श्लाघ्य स्थिता गृहिणी पदे न। तो अभिजन वतः, अभिजन लिखा है अभिजन, अभिजन मतलब होता है उच्च कुल खानदान न। आगे ये है आपका अभिजन वत, मूल शब्द है अभिजन वत, वत मतलब होता है युक्त न, इसका मतलब है उच्च का कुल खानदान न। तो जो उच्च कुल से युक्त है, आगे लिखा है भर्तु ना, ऐसे पति, तो लिखा है अभिजन वतः, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आगे भर्तु लिखा है इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना। तो लिखा है अभिजन वतः भर्तु ना, जो उच्च कुल खानदान वाले हैं ऐसे पति की, अर्थ बन गया ना, अभिजन वतः भर्तु जो उच्च कुल खानदान के हैं ऐसे पति की क्या, आगे लिखा है श्लाघ्य प्रशंसनीय क्या गृहिणी पदे स्थिता, गृह लक्ष्मी को, गृह लक्ष्मी के, गृह स्वामिनी पद के, पद को क्या स्थिता मतलब स्थित होगी, प्राप्त करोगी ना। तो अभिजन वतः भर्तु अपने उच्च कुल खानदान वाले पति की श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृह स्वामिनी पद को तुम स्थित होगी अर्थात प्राप्त करोगी ना। तो ये देखिए अभिजन वतः क्या है, यहाँ अभिजन वतः भर्तु उच्च कुल कुल खानदान वाला कौन है, राजा दुष्यंत है ना। तो यहाँ भर्तु जो जो उसका पति शकुंतला का पति कौन है,
दुष्यंत है ना, तो अभिजन वतः भरतुः अपने उच्च कुल खानदान वाले पति की श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी, अर्थात तुम वहाँ जाने के बाद गृह स्वामिनी बनोगी। बन गया ना पूरी लाइन का अर्थ समझ में आया। अभिजन वतः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। भरतुः में कौन सी विभक्ति है? तो जो उच्च कुल खानदान का है ऐसे तुम अपने पति की श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिता प्रशंसनीय गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी ना, इसलिए तुम मेरे विरह से उत्पन्न दुख को शोक को शोक की गणना नहीं करोगी। लिखा है ना नीचे, न गणिष्यसि सुचम न गणिष्यसि, शोक की गणना नहीं करोगी, क्योंकि जो तुम्हारा पति होगा वह कुछ उच्च कुल खानदान का होगा, वह राजा होगा, और आप जो है अपने उस राजा की प्रशंसनीय गृह लक्ष्मी बनोगी, प्रशंसनीय गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी, इसलिए तुम मम विराजा मेरे विरह से उत्पन्न जो सुचम जो शोक है न गणिष्यसि उसकी गणना नहीं करोगी। एक बात बता दिए ना, तो आप क्या हो यहाँ कह रहे अभिजन वतः भरतुः हो, आप जो है अपने उच्च कुल खानदान पति ना, यह लिखा है जो उच्च कुल खानदान वाले पति हैं ऐसे पति की श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता ना गृह लक्ष्मी को प्राप्त करोगी, गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी, इसलिए तुम मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। एक बात बता दिए। दूसरी बात बता रहे हैं, लिखा है विभव गुरुभिः कृत्यैः तस्य प्रतीक्षणम् आकुलः ना, तो यहाँ से अर्थ लीजिए तस्य, क्या लिखा है तस्य, तस्य कस्य दुष्यंतस्य, यहाँ तस्य पद से दुष्यंत का बोध होगा, तो लिखा है तस्य उनके उस राजा दुष्यंत के, लिखा है विभव गुरुभिः, विभव गुरुभिः, विभव मतलब वैभवशाली, गुरुभिः मतलब गुरुतर, आगे लिखा है कृत्यैः तस्य उस राजा दुष्यंत के विभव गुरुभिः वैभवशाली और गुरुतर कृत्यय कार्यों में प्रतिक्षणम आकुला, हर क्षण आप व्याकुल रहोगी, हर क्षण आप उस राजा दुष्यंत के वैभवशाली और गुरुतर कार्यों में व्यस्त रहोगी, उस कार्यों उस राजा दुष्यंत के वैभवशाली और गुरुतर कार्यों में व्यस्त होने के कारण मम विरहजा मेरे विरह से उत्पन्न सुषम जो शोक है इस शोक की तुम न गणिष्य तुम गणना नहीं करोगी। वहाँ जाने के बाद आप इतनी बिजी हो जाओगी, इतनी बिजी हो जाओगी कि आपको आपको याद ही नहीं आएगी, आपका जो पति है वह उच्च कुल खानदान का है, वह राजा है ना, और उसका जो कार्य भी है वह कैसा है, विभव गुरु भी है ना, वैभवशाली और गुरुतर कार्य है, तो उसके कार्यों में उस राजा दुष्यंत के कार्यों में तुम भी प्रतिक्षणम आकुला मतलब प्रतिक्षण व्याकुल रहोगी, अर्थात हर क्षण इतना बिजी उसके कार्यों में हो जाओगी कि यहाँ से जो मेरा शोक हो रहा है यहाँ से जाने के बाद मम विरहजाम ना मेरे विरह से जो उत्पन्न हो रहा है ऐसे सुचम ऐसे शोक को तुम न गणिष्य तुम गणना नहीं करोगी। बन गया ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए तस्य पद से किसका बोध हो रहा है, विभव गुरुभिः पद का अर्थ क्या है, वैभवशाली और गुरुतर, दो शब्द यहाँ लिखा है विभव गुरुभिः, जो राजा दुष्यंत का कार्य है वह वैभवशाली भी है और गुरुतर भी होगा ना, ऐसे उस राजा दुष्यंत के कार्यों में प्रतिक्षणम आकुला आप हर क्षण उसमें व्याकुल रहोगी, परेशान रहोगी, मतलब आप उसमें हर क्षण व्यस्त रहोगी, इसलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। नीचे देखिए और एक बात बता रहे हैं, लिखा है तनयम अचिरात प्राची इव अर्कम प्रसूय च पावनम ना, यहाँ एक चीज़ पहले ऐसे देख लीजिए ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ लिखा है प्राची फिर लिखा है इव फिर लिखा है अर्कम ना, यह लिखा है ना, प्राची मतलब होता है क्या पूर्व दिशा ना, अर्क मतलब क्या होता है सूर्य, ये कह रहे हैं जिस प्रकार यह पूर्व दिशा, आगे एक शब्द लिखा होगा पावनम आपका ना, जिस प्रकार यह पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, इतना अर्थ समझिए तब वहाँ अर्थ समझ में आएगा ना, तो लिखा है प्राची इव अर्कम, तो इव को अभी छोड़ दीजिए इसका अर्थ बाद में निकलेगा, जिस प्रकार ये पूर्व दिशा जो है पवित्र सूर्य को पैदा करती है ठीक उसी प्रकार आप भी, लिखा है अचिरात शीघ्र ही शकुंतला पैदा करने वाली है बच्चे को ना, वो कम से कम 6-7 महीने बीत चुका है शकुंतला को गर्भिणी हुए तब ये जा रही है ससुराल ना, तो जिस प्रकार पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को पैदा कर
पैदा किया है उसी सूर्य के समान तुम भी पावनम तनयम लिखा है, पवित्र पुत्र को अचिरात शीघ्र ही प्रसूय पैदा करके, ना अर्थ बन गया। अब यहाँ से देखिए लिखा अतिचिरात, यहाँ से देखिए अतिचिरात शीघ्र ही पूर्व प्राची इव अर्कम पूर्व दिशा के समान, जैसे पूर्व दिशा सूर्य को पवित्र सूर्य को पैदा कर दी है उसी लिखा है अर्कम इव उसी सूर्य के समान पवित्र सूर्य के समान त्वम तुम भी ना पवनम तनयम, देखिए सब में विशेष विशेषण बन रहा है पवनम तनयम पवित्र पुत्र को प्रसूय पैदा करके तुम मेरे विरह से उत्पन्न शोक को भूल जाओगी, अर्थात मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगे। ठीक, कोई दिक्कत कहाँ, इतनी शून्य लग रही है क्लास, समझ में नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रहा है। देखिए यहाँ से फिर से इसकी अर्थ देखिए, लिखा है तनयम अचिरात प्राची इव अर्कम प्रसूय च पावनम, ना अर्थ समझिए, देख लीजिए सब लोग उनको फिर अर्थ बताएं। एक लोग आ जाते हैं सबकी निगाह वहाँ चली जाती है, जहाँ जिस लिए आए हैं वहाँ नहीं रहती है। ठीक, अर्थ तो एक तो नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात दिमाग अपन भटकाओ तो हाथ गए कहाँ समझ में आए। देखिए लिखा है तनयम चिरात प्राची वारकम प्रसूय च पावनम, ना लिखा है यहाँ से अर्थ लीजिए अचिरात शीघ्र ही क्या पावनम तनयम पवित्र पुत्र को प्रसूय पैदा करके, ना शीघ्र ही पवित्र पुत्र को पैदा करके, वह पुत्र कैसा होगा प्राची इव अर्कम, ना वो लिखा है जिस प्रकार पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को पैदा करती है उसी सूर्य के समान तुम भी क्या पावनम तनयम पवित्र पुत्र को प्रसूय पैदा करके मम विरह जाम मेरे विरह से उत्पन्न सुचम शोक की न गणिष्यस गणना नहीं करोगी, बन गया ना। तो इसके पास देखिए यहाँ दो तीन बातें बताए, एक तो पहली लाइन में बता दिए आप कुछ उच्च कुल खानदान की क्या प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त करोगी ना, आपका पति उच्च कुल खानदान का होगा, आप जो है अपने पति की दृष्टि में क्या रहोगी, श्लाघ्य लिखा है प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता गृहिणी पद को स्थित होगी, एक चीज़ तो वहाँ बता दिए। दूसरी लाइन में बता दिए उस राजा दुष्यंत के वैभवशाली और गुरुतर कार्यों में तुम इतनी व्यस्त हो जाओगी कि आपको मेरी याद ही नहीं आएगी, मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक है इसकी गणना तुम नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा इस विरह को सोचने के लिए ना। और तीसरी लाइन में बता दिए कि क्या जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को पैदा की है उसी सूर्य के समान आप भी पावनम तनयम पवित्र पुत्र को पैदा करके क्या करोगी, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी, अर्थात आप अपने पुत्र में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाओगी कि आपको मेरी याद नहीं आ जाएगी, फिर मेरे विरह से जो उत्पन्न शोक है इसको भूल जाओगी ना। उधर राजा दुष्यंत का महान गुरुतर कार्य है, आप उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, इधर शीघ्र ही लिखा अचिरात शीघ्र ही आप पुत्र पवित्र सूर्य के समान पवित्र पुत्र को पैदा कर लोगे, आप उस पुत्र में बिजी हो जाओगी इसलिए मेरे शोक से उत्पन्न दुख की गणना नहीं करोगे। ठीक, और सबसे बड़ी बात सबसे ऊपर बता दी आप राजा दुष्यंत की श्लाघ्य ना प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त करोगी इसलिए भी मेरे दुख की गणना नहीं करोगी, मेरे शोक की गणना नहीं करोगी। ठीक, कोई दिक्कत, अर्थ सबको समझ में आया। इसमें देखिए अभिजन वता में आपकी षष्ठी विभक्ति है, भर्तु में भी है षष्ठी विभक्ति, बाकी जो है यहाँ नीचे अंतिम लाइन जो है सूक्ति वाक्य है, यहाँ मम पद से किसका बोध होगा, काश्यप का, रूप कहाँ का है षष्ठी विभक्ति एक वजम ना, पिता काश्याम मम, मम मतलब मेरे विरहजाम, विरहजाम मतलब क्या है विरह से उत्पन्न क्या है शोक का मागे शोक ना, ऐसे शोक की गणना कौन नहीं करेगी, शकुंतला किसके शोक की गणना नहीं करेगी, ऐसे सब आपका प्रश्न बनेगा। ठीक, तो अंतिम लाइन टिक कर लीजिए, ये सूक्ति वाक्य है आपका, नहीं ये वाला मम विरहजाम ना तुम वत्से सुचम गणिष्यसी, बाकी इसकी जो टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, प्राची इव अर्कम लिखा है पूर्व दिशा जिस प्रकार सूर्य को जन्म देती है, यहाँ पर यह उपमा साभिप्राय है, प्राची इव अर्कम में उपमा अलंकार है उसको आप वहाँ लिख लीजिए बस, प्राची इव अर्कम जिस प्रकार वह पूर्व दिशा सूर्य को पैदा पवित्र सूर्य को पैदा करेगी उसी प्रकार तुम भी पवित्र पुत्र को पैदा करोगी। ठीक, प्राची इव अर्कम में केवल दिया है किताब में, वहाँ आपका उपमा अलंकार है।
बाकी इसमें छंद कौन सा है? शालिनी कौन बोल रहा है? हरणी छंद है, वहाँ लिख लीजिए। कथन किसका है? बस नीचे लिखा है शकुंतला पितुः पादयो पतित। शकुंतला अपने पिता के दोनों चरणों में गिर जाती है, अर्थात उनको प्रणाम करती है, गिरती है। ठीक, आगे लिखा है काश्यप। काश्यप कहते हैं यद इच्छाम ते तदस्तु ना। पादयो अपने पिता के चरणों में, पितुः पादयो ना पतति, यहाँ सप्तमी का होगा। लिखा है शकुंतला पितुः पादयो, अपने पिता के दोनों चरणों में क्या करती है? पतत मतलब गिर पड़ती है, ऐसा ही है ना। शकुंतला पिता के पैरों पर गिरती है, यहाँ पादयो सप्तमी विभक्ति द्विवचन का है। षष्ठी का होगा, कौन कह रहा है षष्ठी का होगा? सप्तमी विभक्ति द्विवचन का है, पितु षष्ठी का है। देखिए आप अर्थ ऐसे निकाला करिए, लिखा है क्या पितुः ना, यही लिखा है पितुः, इसका अर्थ बनेगा पिता के, ये षष्ठी हो गया। ये है आपका पादयोः ना, पैरों पर चाहे लिखिए चाहे पैरों में भी लिख सकती हैं, दोनों अर्थ सही होगा आपका। पिता के चरणों में या पिता के चरणों पर क्या हुई वह पतत गिर पड़ती है। ठीक, आगे आइए, लिखा है आगे काश्यपा यद इच्छाम ते तदस्तु ना। यद इच्छामि ते, लिखा है यद इच्छामि मेरी जो इच्छा थी, यद इच्छाम मेरी जो इच्छा थी, कौन कह रहा है? काश्यप कह रहा है यद इच्छाम मेरी जो इच्छा थी ते, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मेरी जो इच्छा थी तद अस्तु, वह हो अर्थात वह जो मेरी इच्छा थी वह पूर्ण हो ना। तद अस्तु वह हो क्या हो? जो पिता काश्यप की इच्छा थी वह हो, वही कह रहे हैं। तद इच्छाम तो तद इच्छाम मेरे, यद लिखा है तद यद ना, यद यद मतलब जो इच्छाम इच्छा थी, किसकी इच्छा थी? यहाँ ये उत्तम पुरुष का है ना, उत्तम पुरुष। यद इच्छाम जो इच्छा थी मेरी जो इच्छा थी ते तुम्हारे लिए, तद अस्तु वह हो अर्थात वह पूर्ण हो, मेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरे आपके लिए मेरी जो इच्छा थी वह मेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कौन कह रहा है? काश्यप कह रहे हैं ना। यद इच्छामि जो इच्छा थी मेरी, जो इच्छा थी मेरी, जो इच्छा है मेरी, जो इच्छा है ते तुम्हारे लिए, तद अस्तु वह हो अर्थात वह हमारी इच्छा पूर्ण हो। ठीक, नीचे लिखा है शकुंतला। शकुंतला सख्या उपेत, यहाँ संधि हुई है, कौन सी संधि हुई है? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सख्यव उपेत्य, दोनों सखियों के पास जा करके, उपेत्य मतलब पास जा करके ना, तो दोनों सखियों के पास जा करके शकुंतला कहती है हला द्वे अपि, हला मतलब हे सखी, द्वे अपि आप दोनों भी माम मुझको समम एव साथ ही परिस्वजे थाम, गले लगाओ। शकुंतला अपनी दोनों सखियों के पास जाती है, कहती है आप दोनों मुझको गले लगाओ, एक साथ ही आप दोनों मुझको गले लगाओ। लिखा है समम एव ना, आप दोनों साथ ही मुझको गले लगाओ, एक साथ समम एव एक साथ ही परिस्वजे थाम। ये परिस्वजे थाम कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है। यहाँ दो लोगों की बात कर रही है, यहाँ आदेश भी शकुंतला दे रही है अपने दोनों सखियों की कि हे हमारी दोनों सखियों मुझे गले लगाओ, आप दोनों एक साथ ही मुझको गले लगाओ ना। तो यहाँ माम पद से किसका बोध होगा? शकुंतला का। माम समम एव, माम मतलब मुझको, समम एव एक साथ ही परिस्वजे थाम, एक साथ ही गले लगाओ। ठीक, नीचे लिखा है क्या? सख्यव दोनों सखियाँ तथा कृत्वा, वैसा ही करती हैं, अर्थात दोनों सखियाँ एक साथ शकुंतला को गले लगाती हैं। लिखा है फिर सखी, देखिए ये सांप वाला वृत्तांत दो ही लोगों को पता है ना, अब इन लोगों को अच्छा मौका मिल गया है इस सांप के वृत्तांत, मतलब सांप के वृत्तांत को ये नहीं बता रहे शकुंतला से, लेकिन अगर वहाँ अगर आपके साथ कोई कुछ भी घटना घटती है तो आप ऐसे ऐसे कर देना, अब यहाँ दोनों सखियों को मौका मिल गया, दोनों सखियाँ एक साथ बता रही हैं। लिखा है सखी यदि नाम सा राजा प्रत्यभिज्ञान मंथर भवेत न ततः तस्मा इदम आत्म नाम ध्येय अंकितम अंगुलीकम दर्शय न। इसके पहले वहाँ कि क्या प्रसंग था, जहाँ दुर्वासा ऋषि जब प्रेमदा गई थी दुर्वासा को मनाने,
तो दुर्यासा दुर्वासा ऋषि क्या बोले थे कि हाँ हाँ किंतु आवरण दर्शन न साप निवर्तिष्यति इति, ऐसा लाइन था ना। तो वही अब यहाँ कह रही है, दोनों सखियाँ कह रही हैं कि यदि नाम स राजा दुष्यंत नाम के उस राजा ने प्रत्यभिज्ञान मंथरा भवेत, प्रत्यभिज्ञान आपको पहचान, अभिज्ञान मतलब क्या होता है पहचान, लिखा है प्रत्यभिज्ञान पहचानने में मंथरा भवेत, मंथर हो मंद हो, ये कह रहे हैं। मतलब डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं दोनों सखियाँ, क्योंकि शकुंतला को दुख होगा ना, सीधे नहीं कर रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं कि अगर वह राजा दुष्यंत आपको पहचानने में मंद पड़ जाए, लिखा है ना मंथरा भवेत, मंद पड़ जाए, थोड़ा सा मंद हो, थोड़ा मतलब जब शकुंतला राजा दुष्यंत के पास पहुँचेगी, तो जब राजा दुष्यंत, यहाँ लिखा है मंथरा भवेत का अर्थ जो होगा कि वहाँ जाने के बाद जब शकुंतला सामने खड़ी होगी राजा दुष्यंत के, तो दुष्यंत को दुष्यंत यहाँ केवल यही मंथरा समझिए, केवल मंथरा मतलब राजा दुष्यंत देखेगा उसके दिमाग में आएगा, मतलब इसको कहीं देखे हैं, बस मंद पड़ रहा है, ये पूरी तरह से नहीं जान पाए कहाँ देखे हैं कहाँ नहीं देखे हैं। तो यही यहाँ किया जा रहा है कि आपको उस राजा दुष्यंत जो लिखा है ना, यदि नाम सा राजा दुष्यंत नाम वाला वह राजा प्रत्यभिज्ञान पहचानने में मंथरा भवे, थोड़ा सा यादगार मंद पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, ततः तो, ततः मतलब तो इसके बाद, तस्मा तस्मा पद से यहाँ उसके, उसके क्या इदम आत्म नाम ध्येय अंकितम, इदम मतलब या आत्म नाम ध्येय अंकितम, जो उसके स्वयं नाम से अंकित है, ऐसी अंगुलीकम दर्शय, ऐसी अंगूठी को दिखा देना, ठीक बन गया ना। लिखा स यदि नाम रायम, यदि नाम स राजा, यदि दुष्यंत नाम का वह राजा प्रतिविज्ञान आपको पहचानने में मंथरा भवे, थोड़ा सा मंद पड़ जाए, थोड़ा सा मंद हो, ततः तो तस्मा उसके, उसके तस्मा पद से उसके, उसके नाम से जो अंकित अंगूठी है, इस अंगूठी को दिखा देना, ऐसा ये कह रहे हैं ना। तस्मा मतलब उसके, इदम आत्मधेय अंकितम, जो उसके स्वयं नाम से अंकित है, ऐसी अंगुलीकम ऐसी अंगूठी को दर्शय दिखा देना, ना ठीक। आगे लिखा है क्या, शकुंतला, शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वाम कंपिता अस्मि, अनेन संदेहेन इस संदेह के द्वारा, इस संदेह से वाम कंपिता अस्मि, मैं घबरा गई हूँ, मैं घबरा रही हूँ ना, वाम कंपिता अस्मि मैं घबरा रही हूँ, अस्मि पद से किसका बोध होगा, तो शकुंतला कह रही वाम कंपिता अस्मि, कौन यहाँ शकुंतला, शकुंतला कह रही अनेन संदेहेन इस संदेह से, आपके इस संदेह से, इस संदेह के द्वारा वाम कंपिता अस्मि मैं घबरा गई हूँ, ठीक मैं घबरा रही हूँ। फिर दोनों सखियाँ कहती हैं माँ भैंसी, सूक्ति वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, माँ भैंसी केवल इतना ही भी सूक्ति वाक्य है ना, डरो मत, यही कह रहे हैं डरो मत, आगे भी सूक्ति वाक्य है अति स्नेह पाप संकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग पूछी जा सकती हैं, माँ भैंसी किसका कथन है केवल ना, दोनों सखियों का कथन, दोनों सखियाँ शकुंतला से कह रही हैं आप घबराइए मत, आप डरिए मत, अति स्नेह पाप संकी, जो जो मतलब ज़्यादा प्रेम क्या है, वो पाप की आशंका कराता है, पाप का भागीदार होता है ज़्यादा प्रेम ना, यही लिखा अति स्नेह पाप संकी, पूछेगा किसका कथन है, यही पूछा जाता है यहाँ पे किसका कथन है, सूक्ति वाक्य कहाँ की है, किस कथन से, किसका कथन है, किस ग्रंथ से संबंधित है, किस कवि से संबंधित है, किस प्रकरण में आई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं प्रश्न बनेगा, ठीक। तो अति स्नेह पाप संकी किसका कथन है, दोनों सखियों का, ठीक। माँ भैंसी किसका कथन है, यहाँ भैंसी पद का अर्थ क्या है, तो माँ भैंसी डरो मत घबराओ मत ना, अति स्नेह पाप संकी, अधिक अधिक स्नेह जो है, अधिक प्यार जो है, पाप का, पाप की आशंका करा देता है, पाप का भागीदार होता है ना। नीचे लिखा है सारंग्रवह, फिर सारंग्रव कहता क्या, युगांतर, युग अंतरम आरूढ़ सविता, शब्दों को तोड़ेंगे अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, युग अंतरम आरूढ़ सविता, सविता मतलब सूर्य, जो यह सूर्य है युग अंतरम मतलब एक युग से दूसरे युग पर क्या आरूढ़ हो गया है, अर्थात एक प्रहर से दूसरे प्रहर में सूर्य चढ़ गया है, सूर्य जो है एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर चुका है, दूसरे युग में आरूढ़ हो गया है, ठीक। लिखा है त्वरताम अत्र भवती, त्वरताम तो शीघ्र कीजिए, त्वरताम मतलब शीघ्र कीजिए, अत्र भवती आदरणीय पूजनीय भवती, सूर्य जो है दूसरे युग में आरूढ़ हो गया है, शीघ्र कीजिए, त्वरताम शीघ्र कीजिए ना, यहाँ अत्र भवती से किसका बोध होगा,
शकुंतला का बोध होगा। ये चारंग्रह शकुंतला से कह रहा है कि सूर्य जो है दूसरे प्रहर में चढ़ गया है, सूर्य जो है दूसरे युग में आरूढ़ हो गया है, त्वरतम शीघ्र कीजिए अत्र भवती। अत्र अत्र भवती जो भवत पद के आगे जो है तत्र अत्र लगते हैं, क्या बनता है? आदरार्थक अर्थ देते हैं। जब भवत पद के आगे अत्र लगे चाहे तत्र लगे वो आदर अर्थ में होगा। तो आदरणीय भवती त्वरताम शीघ्र कीजिए, कौन कह रहा है? नीचे आइए, लिखा है शकुंतला। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा, ना आश्रम की तरफ मुख करके फिर खड़ी हो करके, लिखा है आश्रम अभिमुखी स्थित्वा। शकुंतला ये नाटक चल रहा है ना, रंगमंच तैयार है, रंगमंच पर वहाँ शकुंतला प्रवेश, रंगमंच पर शकुंतला है। तो लिखा है आश्रम अभिमुखी, आश्रम की तरफ ये मुख करती है, फिर क्या लिखा है? स्थित्वा खड़ी हो करके। लिखा है तात, तात पिता कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्य। लिखा है तात पिता कदा, कदा मतलब कब, नु निश्चित ही, भूय फिर से तपोवनम प्रेक्षिष्य, मैं फिर से इस तपोवन में कब आऊँगी या मैं इस तपोवन को फिर से कब देखूँगी ना। प्रेक्षिष्य लिखा है भूय फिर से दोबारा तपोवनम प्रेक्षिष्य कदा, इस तपोवन को मैं फिर से कब देखूँगी ना। यहाँ इसको ससुराल जाने की देरी भी हो रही है, अंदर से उत्कंठा भी है ससुराल जाने की, दुष्यंत से मिलने की ना। इधर अपने पिता से ये भी कह रहे हैं कि इस आश्रम को मैं फिर से कब देखूंगी, अर्थात इस आश्रम में मैं वापस फिर कब आऊंगी ना। ये अपने पिता से पुत्री कह रही है कि पिता मुझे वापस कब ले जाएंगे, अब यही इसका कथन है ना। अविध्या लक्षण व्यंजना सब कुछ साथ में पढ़िए, पूरा अर्थ बहुत क्लीन समझ में आएगा आपको, ठीक। यहाँ एक पुत्री जाते टाइम पिता से क्या कहती है, पिता हो चाहे भाई हो, जो जो अपनी भाई पुत्री या बहन को छोड़ने जाता है तो उसकी चाहे बहन हो चाहे पुत्री हो सीधे वो कहती है ना भाई अब कब आऊँगा, डायरेक्ट कहती है ना बहन। वैसे यहाँ तो ये पुत्री सीधे सीधे सारा इससे काश्यप ऋषि से कह रहे हैं कि पिता आप अब कब हमको यहाँ अपने घर फिर ले आएंगे, यही इसका भाव है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, फिर काश्यपा काश्यप ऋषि उसका जवाब देते हैं। इस चीज़ को आप आगे से पीछे से जोड़े रहना, जब ये शकुंतला कह रही है कि पिताजी मैं इस आश्रम में अब फिर वापस कब आऊँगी ना, अब यहाँ काश्यप इसका जवाब दे रहे हैं। लिखा है श्रूयताम सुनिए ना, श्रूयताम सुनिए पढ़िए, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौष्यन्तिम प्रतिरथम तनयम निवेश। इसको शुद्ध शुद्ध पढ़िए आप लोग, दौष्यन्तिम फिर यहाँ से निकलेगा आप प्रतिरथम होगा, लेकिन जब इसको हम संधि करके पढ़ेंगे ऐसे शुद्ध उच्चारण होता है, आप लोग शुद्ध उच्चारण सीखिए, आपसे बनता नहीं। यहाँ थोड़ी सी आवाज़ सबकी स्लो हो गई, क्यों? यहाँ पढ़ना है दौष्यन्तिम अप्रतिरथम ना, तो यहाँ जो अ निकल रहा है इसको हम उसी में साट करके यहाँ जोड़ दे के पढ़ेंगे, आगे संयुक्त अक्षर है इसलिए भी यहाँ जोड़ दिए दे करके पढ़ेंगे ना। दौष्यन्तिम अप्रतिरथम ना पढ़िए, दौष्यन्तिम अप्रतिरथम। चलिए फिर से पढ़िए, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौष्यन्तिम अप्रतिरथम तनयम् निवेश्य। भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। पीछे से कहानी जोड़िएगा, जहाँ से शकुंतला अपने पिता से कह रही है कि मैं पुनः इस आश्रम में फिर कब आऊँगी, ये उसी का जवाब दे रहे हैं मार्शिकण। देखिए लिखा है क्या, अंतिम लाइन देखिए, लिखा है शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन ना। तो यहाँ अस्मिन कहाँ का रूप है, मूल प्रातिपदिक क्या है इसका, लिखा है कि इदम इदम, देखिए लिखा है अस्मिन, अर्थ देखिए अर्थ देखिएगा, लिखा है शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन ना। जो सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है सबको एक साथ कर लीजिए, अन्वय बन जाएगा। आपको करना है अस्मिन शांते आश्रमे, इन तीनों को एक साथ कर लीजिए। लिखा है क्या, अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में, बन गया अर्थ ना।
अस्मिन् शान्ते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, मतलब अपने पैरों को करोगी, रखोगी, या इस आश्रम, इस शांत आश्रम के स्थान को फिर से प्राप्त करोगी। कब? ऊपर की लाइन में बताएंगे। तो अंतिम लाइन में लिखा है क्या, शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्। तो इसका अर्थ बनेगा अस्मिन् शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, इस मतलब इस शांत आश्रम को आप फिर से पदम करिष्यसि, अपना निवास स्थान बनाओगी। इसका दो दो अर्थ निकलेगा। यहाँ महर्षि कर्ण कह रहे हैं कि इस शांत आश्रम में आपके पैर फिर से पड़ेंगे। कब? लिखा है ना पदम करिष्यसि, आप अपने इस शांत आश्रम में फिर से पैरों को रखोगी, पैरों को करोगी मतलब रखोगी ना। या एक अर्थ इसका ये भी निकल जाएगा कि इस शांत आश्रम को आप फिर से अपना निवास स्थान बनाओगी। कब बनाओगी? ऊपर की तीन लाइन में बताएंगे। ठीक, तो ये लाइन अंतिम बन गई ना, अस्मिन् शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, इस शांत आश्रम को आप अपना निवास स्थान बनाओगी, इस शांत आश्रम में आप अपने पैरों को रखोगी, इस शांत आश्रम में आप अपने पैरों को करोगी अर्थात रखोगी, अर्थात इस शांत आश्रम को आप अपना निवास स्थान बनाओगी। कब बनाओगी? ऊपर देखिए लिखा है भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौश्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम। ये ऊपर की जो तीन लाइन में बता रहे हैं कि कब आप बनाओगी, तो बता रहे हैं देखिए लिखा है पहले लाइन भूत्वा चिराय चतुः अंत महिष पत्नी, मिल गया ना अर्थ। भूत्वा शब्दों को तोड़ेंगे अर्थ समझ में आएगा, भूत्वा चिराय चतुः अंत महिष पत्नी ना। तो लिखा है चिराय, चिराय मतलब उधर, तो पीछे कह के आ रहे हैं कि अचिरात पावनम तनयम प्रसूय, आप शीघ्र ही अपने पवित्र पुत्र को पैदा करोगी। वो पुत्र भी कैसा होगा? सूर्य के समान, प्राची इव अर्कम, वहाँ बताए थे ना, जिस प्रकार पवित्र सूर्य अपने पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को पैदा करती है, उसी प्रकार उसी सूर्य के समान आप भी क्या करोगी, पावनम तनयम प्रसूय, पवित्र पुत्र को पैदा करोगी। वहाँ तो अचिरात कहे, यहाँ क्या कह रहे हैं, चिराय शीघ्र ही, चिराय मतलब बहुत दिन तक, चिरकाल तक ना। इनका यही कहने का मतलब, यहाँ चिराय मतलब बहुत दिन तक वापस ना होगू, चिराय कहने का ये तात्पर्य है कि आप अपने घर जाने के बाद आप कहीं सिंपल घर में तो जा नहीं रही हैं, आपका जो पति है वह सिंहासन, वो सिंहासन को पूरे संभाला है, पूरे धरती का राजा है ना, सम्राट है ना, वो पूरे धरती का क्या है, राजा है। अभी इसमें बताएंगे आप, वह धरती का पति है, धरती का राजा है, तो आप पृथ्वी की सपत्नी बनोगी। अभी इसी लाइन में बताए हैं चतुरंत मही सपत्नी जो लिखा है यहाँ ना, तो इसलिए यहाँ लिखा है चिराय, चिराय मतलब चिरकाल तक, मतलब बहुत दिन तक। क्या लिखा है यहाँ चिराय, आगे देखिए लिखा है चतुः अंत मही सपत्नी, चतुः अंत पढ़ आपको समझना है, चतुः अंत मही, चतुः अंत मतलब देखिए ये है आपकी पृथ्वी, बता दें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ बताने के बाद। ये बीच में है आपकी पृथ्वी ना, ये क्या है आपकी पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, जल है ना, यह आपका समुद्र। वहाँ जो लिखा है चतुः अंत, चतुः अंत ना मतलब चारों तरफ, यहाँ लिखा है चतुः अंत मतलब ये समुद्र जो है चारों तरफ से, समुद्र से जो मतलब चारों तरफ से अंत है जिसका, चारों तरफ से ना, जो समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई है, जो समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई है, किससे घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई है, जल से घिरी हुई है ना, तो वही यहाँ लिखा है चतुः अंत, जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई ऐसी महिम, ऐसी मही मतलब पृथ्वी। आगे लिखा है सपत्नी और सबसे पहले लिखा है भूत्वा ना, लिखा है यहाँ से देखिए चिराय बहुत दिनों तक चतुः अंत मही सपत्नी, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई जो मही है, जो पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी की सपत्नी भूत्वा, सौती बन करके, सौती हो करके ना, अर्थ बन गया। क्यों यहाँ पृथ्वी की सौत कह रहे हैं, क्योंकि राजा जो है वह पृथ्वीपति कहा गया है ना, तो आप भी यहाँ से जाने के बाद उस राजा दुष्यंत के यहाँ महारानी पद को जब प्राप्त करोगी, तो आप जो है इस पृथ्वी की सपत्नी हो जाओगी ना,
तो यहाँ चिराय मतलब क्या हुआ, बहुत दीर्घ काल तक चतुः अंत ना, जो समुद्र से, समुद्र के चारों तरफ से जो घिरी हुई है, मतलब समुद्र जिसका अंत है, चतुः अंत चारों तरफ से जो समुद्र से घिरी हुई, अर्थात समुद्र ही जिसका अंत है, ऐसी पृथ्वी की सपत्नी भूत्वा सौती होकर के तुम फिर से इस आश्रम में अपने पैर को रखोगी। मन गया ना, लेकिन पूरा अर्थ निकलेगा जब तीनों लाइन निकाल लेंगे तब, ठीक। तो पहली लाइन हो गया क्या, भूत्वा चिराय चतुः अंत महिष पत्नी। तो चिराय मतलब बहुत दिन तक, चिरकाल तक, चतुः अंत जो चारों समुद्रों से घिरी हुई है, जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई, ऐसे मही, ऐसे पृथ्वी की सपत्नी भूत्वा सपत्नी हो करके। दूसरी लाइन देखिए, लिखा है दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य ना। तो यहाँ से देखिए लिखा है जो अप्रतिरथम, प्रतिरथम मतलब होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिरथम मतलब प्रतिद्वंदी, अप्रतिरथम मतलब जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो ना, और जिसका रथ कभी रुकने वाला ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं, इसका कई कई अर्थ बनेगा। लिखा अप्रतिरथम, जिसका कोई प्रतिद्वंदी योद्धा नहीं है, जो जो अद्वितीय योद्धा है, या जिसका रथ कभी रुकने वाला नहीं है, ये है अप्रतिरथम ना। तो अप्रतिरथम आगे लिखा है तनयम दौष्यंतिम ना, तनय मतलब क्या है, पुत्र, जो जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ऐसे तनयम, ऐसे पुत्र को, एक चीज लिखा है दौष्यंतिम मतलब दुष्यंत का पुत्र, दुष्यंत का पुत्र कौन है, अभी तो यहाँ भरत पैदा हुआ ही नहीं है, उसका नामकरण हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ दौष्यंतिम कह दिए, ठीक, अभी तो भरत पैदा हुआ नहीं है ना, इसलिए यहाँ दौष्यंतिम मतलब ये दुष्यंत की पत्नी तो है ही, ये तो क्लियर है पूरी तरह से, इसलिए यहाँ दौष्यंतिम कहा गया। तो अप्रतिरथम, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, जिसका कोई विपक्षी नहीं है, जिसका रथ कभी रुकने वाला नहीं, ऐसे दौष्यंतिम तनयम, ऐसे दुष्यंत के पुत्र को निवेश बैठा करके, निवेश मतलब बैठा करके। देखिए यहाँ महर्षि कर्णो कहना क्या चाह रहे हैं, अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो राजा दुष्यंत से आपका पुत्र पैदा होगा, उस पुत्र को निवेश बैठा करके, कहाँ बैठाएंगे, सिंहासन पर, राजगद्दी पर, या निवेश पद से, दो दो अर्थ निकलेगा। एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका पुत्र, वो दुष्यंत का पुत्र आपसे पैदा होगा, उस पुत्र को इस सिंहासन पर बैठा करके ना, और उसको विवाहित करके, उसके मतलब उसका जो क्रिया काम होता है, ये सब शादी विवाह वाला, इस सब काम को समाप्त करके ना, उसको सिंहासन पर बैठा करके। इनका कहने का मात्र एक मतलब निकलेगा अभी लास्ट में, पूरी तरह से सिंहासन खाली हो, फिर यहीं आश्रम में शांत हो के आवत जावत, फिर से यहाँ से वापस जाना नहीं है आपको ना। जब अभी तो राजा क्या है, वो पति है ना, पृथ्वी का पति है, सारे पृथ्वी का भार संभाला है राजा दुष्यंत, जब इसका पुत्र उस राजभार को संभाल लेगा, तो राजा दुष्यंत शकुंतला दोनों लोग हो जाएंगे फ्री ना, तब तुम इस पुनः आश्रम में, फिर से इस आश्रम में आप अपने पदों को रखोगी, ऐसा कहना जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए दूसरी लाइन में, दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य। अप्रतिरथम मतलब जिसका रथ कभी रुकने वाला नहीं है, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ना, ऐसे दौष्यंतिम तनयम, ऐसे दुष्यंत के पुत्र को निवेश बैठा करके, कहाँ बैठा करके, सिंहासन पे बैठा करके। तीसरी लाइन लिखा है, भर्त्रा तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धम। सार्धम के युग में कौन सी विभक्ति होती ना, तो यहाँ लिखा है देखिए, यहाँ तदर्पित कुटुम्ब भरेण और भर्त्रा, भर्त्रा सार्धम होगा वहाँ, ठीक, अन्वय जब करेंगे, लिखा है तद अर्पित कुटुम्ब भरेण भर्त्रा सार्धम, ये इसका अन्वय होगा। तो लिखा है देखा, तद अर्पित, उसको अर्पित करके, उसको समर्पित करके, क्या समर्पित करेंगे, आपके गर्भ से जो राजा दुष्यंत का पुत्र उत्पन्न होगा, उस पुत्र को निवेश, उस सिंहासन पर बैठा करके, तद अर्पित, उसको अर्पित करके, क्या अर्पित करेंगे, आगे लिखा कुटुम्ब भरेण, परिवार का भार, यही लिखा है ना, कुटुम्ब भरेण, परिवार का भार, परिवार का भार माने पूरी पृथ्वी का भार, यहाँ राजा, राजा का परिवार पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी का वो राजा है, तो यहाँ यही लिखा है कुटुम्ब भरेण से पूरी पृथ्वी का वो होगा आपका, यहाँ लिखा है तद अर्पित, उसको अर्पित करके, उसको समर्पित, यहाँ तत्पद से किसका बोध हो रहा है, दुष्यंत के पुत्र का ना, तद अर्पित, उसको समर्पित करके, क्या समर्पित करोगे, लिखा है कुटुम्ब भरेण, परिवार के भार को,
उसको समर्पित करके भर्तृसार्धम अपने पति के साथ आप फिर से इस आश्रम में पदम करिष्यसि, इस आश्रम शांत आश्रम को अपना निवास स्थान बनाओगी, आप अपने कदमों को इस आश्रम में रखोगी ना। कुल मिला जुला के परिवार वाले उस वाले हिस्से से संन्यास हो जाएगा आपका, तब आप इस आश्रम में आप अपने पैरों को रखोगी ना। आपका पुत्र पैदा होगा, उसका वो बड़ा होगा, उसके शादी विवाह होगा, वो सिंहासन पे बैठ जाएगा, उसके बाद उस अपने पुत्र को सारा कार्यभार समर्पित करके आप अपने पति के साथ, भर्तृसार्धम लिखा है, आप अपने पति के साथ पुनः फिर से ना अस्मिन् शान्ते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पदम करिष्यसि, अपने पैरों को रखोगी, इसको अपना निवास स्थान बनाओगी। बन गया अर्थ ना, कोई दिक्कत? चलिए एक बार पढ़िए। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौश्यन्तिम प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेस्मिन्। इसमें माला दीपक अलंकार है, पीछे दिया है, आप वहाँ से लिख लीजिए, माला दीपक अलंकार है, और पूरे श्लोक में वसंत तिलका छंद है, ठीक। यहाँ अप्रतिरथम में आपका बहुव्रीहि समास है, इसको लिख लीजिएगा, अप्रतिरथम, जिसका रथ कभी रुकने वाला नहीं है, जिसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, ठीक। बस इसका होगा न विद्यते प्रतिरथा यस्य सहतम, बहुव्रीहि समास दिया है। दौष्यन्ति में पुत्र प्रत्यय पूछा जा सकता है, अण कौन बोल रहा है, दुष्यंत प्लस इं, वहाँ लिखा है किताब में दुष्यंत प्लस इं, यही लिख लीजिए आप लोग, दुष्यंतस्य पुत्रः दौष्यन्ति, दुष्यंतस्य पुत्रः दौष्यन्ति, तो दौष्यन्ति में प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, यहाँ अण उण नहीं है, ये यहाँ ई प्रत्यय है ना। आगे चलें, आगे आ जाइए, कल हो जाएगा, अभी भरत वाक्य भी कल कहाँ हो पाएगा गुरु, तब थोड़ा सा और पढ़ लीजिए ताकि कल हो जाए समाप्त ना। कल भाई वहाँ रुचिर छंद का लक्षण वगैरह भी बताना होगा, तो कम से कम एक डेढ़ घंटे चले जाएंगे पूरा ना। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, तो ये पूरा बन गया आपका ना। वहाँ से हम लोग कहानी कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ से शकुंतला कह रही है कि पिताजी मैं इस आश्रम में फिर से अपने पैरों को कब रखूँगी, इस आश्रम में मैं फिर से कब इस आश्रम को देखूँगी, वहाँ से इसका जवाब दिए हैं महर्षि काश्यप, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, इस वाले श्लोक से, ठीक। कह रहे हैं कि क्या, जब आप सबसे पहले तो यहाँ ये बता दिए ना, चिरकाल तक आप क्या जो समुद्र से चारों तरफ घिरी हुई है, ऐसी पृथ्वी की सपत्नी हो करके, दो एक बात बता दिए सपत्नी हो करके, दूसरी बात बता दिए कि जो दुष्यंत जो अप्रतिरथ है, जिसका रथ कभी रुकने वाला नहीं, ऐसे दौष्यन्तिम तनयम, ऐसे दुष्यंत के पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके, और ऐसे दुष्यंत के पुत्र को विवाहित करके ना, तद अर्पित कुटुंब भरेण, उसको किसको, उस दुष्यंत के पुत्र को ना, उस अपने पुत्र को कुटुंब भरेण, इस मतलब पूरे धरती का भार, पूरे कुटुंब का भार उसको क्या करके अर्पित करके, क्या लिखा है, भर्तृसार्धम अपने पति के साथ, अकेले नहीं आएंगी इसके बाद, जब शकुंतला आएंगी आश्रम में, जब भी आएंगी भर्तृसार्धम आएंगी, ठीक, अपने पति के साथ पुनः फिर से अस्मिन् शान्ते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पदम करिष्यसि, इस शांत आश्रम को, शांत आश्रम को अपना निवास स्थान बनाएंगी। आगे देखिए, फिर गौतमी कहती है, जाते पुत्री परहीयते गमन बेला, ना गमन बेला, जाने की जो बेला है, परहीयते समाप्त होती जा रही, बीतती जा रही है, यही ना, जाते पुत्री परहीयते गमन बेला, जो गमन बेला है, जो जाने का समय है, परहीयते समाप्त होती जा रही है, निवर्तय पितरम, पिता को लौटाओ, निवर्तय कहाँ का रूप है, निवर्तय आदेश दे रही है यहाँ पे, सीधे सीधे करें, निवर्तय लौटाओ पितरम, पिता को,
ना, तो लिखा है क्या, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है निवर्तय, तो गमन की बेला समाप्त हो रही है, निवर्तय पितरम, पिता को लौटाओ, अथवा अथवा चिरेण अपि पुनः पुनः ऐसा एवं मंत्रयिष्यत, इसको ये शब्द तोड़ेगा, पुनः पुनः ऐसा एवं मंत्रयिष्यते ना, लिखा है अथवा चिरेण अपि, बहुत देर तक, चिरेण अपि लिखा है ना, बहुत देर तक पुनः पुनः बार बार ऐसा यह शकुंतला एवं मंत्रिष्यते, इस प्रकार मंत्रणा करेगी, इस प्रकार बातचीत करेगी। यहाँ ऐसा पद से किसका बोध हो रहा है, शकुंतला का बोध हो रहा है, कि यहाँ देखिए गौतमी कह रही है कि अब हम लोगों की जो जाने की समय है, जाने की जो बेला है वह समाप्त हो रही है ना, व्यतीत होती जा रही है, इसलिए पिता को लौटाओ, अथवा शकुंतला बहुत देर तक लिखा है, चिरेण अपि बहुत देर तक पुनः पुनः बार बार ऐसा यह शकुंतला एवं मंत्रिष्यते, ऐसे इस प्रकार की मंत्रणा करेगी, इस प्रकार की बातें करेंगी ना। देखिए जब किसी की विदाई होती है, पहली पहल विदाई जब पहली बार होती है किसी की, तब वो जब अपने ससुराल लड़की जाती है तो जिसको जिसको देखती है उसके मन में उसके उसके प्रति विचार उठते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ गौतमी कह रही कि पिता को यहाँ से लौटाओ, क्योंकि अब जो शकुंतला है चिरेण अपि बहुत देर तक पुनः पुनः बार बार इस प्रकार की मंत्रणा करेगी, मतलब वो जिसकी निगाह उसके उसकी निगाह जिसके ऊपर पड़ जाएगी उससे उससे पूछने लगेगी, हम इस आश्रम में कब आएंगे, क्या हमारी दोनों सखियाँ यहीं से चली जाएंगी कि और आगे तक चलेंगी, ये सब कहानी है, बार बार इस प्रकार की मंत्रणा शकुंतला करेगी ना। आगे देखिए लिखा है काश्यपा, काश्यप कहते हैं वत्से पुत्रे उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, मेरे तप का अनुष्ठान उपरुध्यते बाधित हो रहा है ना पुत्री, अब यहाँ से काश्यप कह रहे हैं पुत्री मेरे तप का जो अनुष्ठान है यह बाधित हो रहा है ना, क्या हुआ कौन सा, अच्छा निवर्तताम भवान ना, तो यहाँ से यहाँ लिखा है निवर्तताम भवान, भवान मतलब आप, निवर्तताम आप यहाँ से लौट जाइए, ऐसा कह रही है गौतमी, कौन कह रही है गौतमी, निवर्तताम भवान आप यहीं से लौट जाइए, नहीं तो शकुंतला बार बार इस प्रकार की मंत्रणा करेगी, बार बार आपसे ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ बार बार पूछेगी ठीक, तो यहाँ निवर्तताम भवान आप यहीं से निवर्तित हो जाइए, लौट जाइए, वापस चले जाइए, तो लिखा है काश्यप, फिर काश्यप कहते हैं वत्से पुत्री उपरुध्यते बाधित हो रहा है, रुक रहा है तपह अनुष्ठानम, मेरे तप का अनुष्ठान जो है यह उपरुद्ध हो रहा है, बाधित हो रहा है, रुक रहा है। आगे शकुंतला, फिर शकुंतला लिखा है भूय पितरम आश्लिष्य, मतलब भूय फिर से पितरम आश्लिष्य, फिर से पिता को गले लगाती है, पिताजी का अपने आलिंगन करती है, कहती है तपस चरण पीड़ितम तात शरीरम, लिखा है तात शरीरम, पिता काश्यप आपका यह जो शरीर है तपस चरणम तप के कारण पीड़ितम, पीड़ित है आप, इस तप के कारण दुबले पतले होते जा रहे हैं, इसका भाव यही है ना, आपका यह जो शरीर है तप के कारण पीड़ित है, आप दुबले पतले होते जा रहे हैं। आगे लिखा है तत् मा अति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व ना, तत् मतलब तो, मा 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 मतलब मना कर रही है, अति मात्रम मम कृते, यहाँ कृते था मम कृते, मेरे लिए इसका अन्वय ऐसे बनेगा, तत् तो मम कृते मेरे लिए अति मात्रम अत्यधिक मा उत्कंठस्व, अधिक दुखी मत होइए ना, मत कृते मेरे लिए मा उत्कंठस्व ना, दुखी मत होइए, अति मात्रम मा उत्कंठस्व, अत्यधिक दुखी मत होइए, तप के कारण आपका यह शरीर दुबला पतला होता जा रहा है, तप के कारण आपका यह शरीर पीड़ित है, इसलिए हे पिताजी मम कृते मेरे लिए अति मात्रम अत्यधिक मा उत्कंठस्व, अत्यधिक दुखी मत होइए ठीक। नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए कृते में ए था, यहाँ किस, यहाँ लोप हो गया है, क्या लिखा है वहाँ कृते, आगे क्या है उत्कंठस्व, बस इतने से आपका काम बन जाएगा, कल आप लोग पढ़ के आए थे लोपा साकल्यस्य ना, इसके पहले हम लोग एक संधि पढ़े थे, ये आपका होगा कृता धन ए धन उ, यही है ना, ये एच का है, एच का है कि नहीं है, है ना, इसके आगे स्वर है, स्वर है कि नहीं है ना, एच के स्थान पे क्या आदेश होगा, चार चार चीज आदेश होंगे, एक चीज नहीं आदेश होगा, चार चीज आय आव आय आव, ये चारों आदेश हो रहे थे, किस सूत्र से आदेश हो रहे थे ये चारों,
एचो या वा यावसे ना, ये चार चीज आदेश हो रहे थे। अब आदेश किसको किया जाए, जगह केवल एक है ए, लेकिन आदेश चार चार हो रहे हैं, किसको आदेश किया जाए? तो यहाँ किसको आदेश करेंगे? ये इसके स्थान पे आय आदेश होगा। किस सूत्र से होगा? क्या था वो सूत्र? हाँ, यथा संख्यम उपदेशा समानम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा आपका कृत धन आय, यहाँ से ले लेते हैं डायरेक्ट ना। अब आय प्लस क्या था उधर, ओ यही था ना, हाँ ये था। अब देखिए ये आके यहाँ मिल गया आपका, बन गया क्या कृत प्लस ये या बचा है ना, ये क्या है ओ, ये पदांत यकार है, इसलिए लोप साकल्यस कहता है कि पदांत यकार का लोप हो जाए, बाद में अस प्रत्याह आहार का वर्ण हो तो ये अस में आता है कि नहीं आता है आपके, तो इसके यकार का लोप हो गया, ये वाला आ यहाँ मिल गया, बन गया कृत, बाकी उत्कंठस्व आगे लिखा है ना। तो यहाँ पूरे एकालोप नहीं किया गया है, जो वहाँ लिखा है कृत उत्कंठस्व, एकार का पूरे नहीं, ए का जो अय आदेश हुआ उसके अय का यकार का लोप किया है। वहाँ दो दो जगह से अनुवृत्ति आ रही थी ना, एक ब्योर लोपे करके एक सूत्र था और उससे भगव अघव पूर्वज से, तो यहाँ यही बना, कहाँ लगेगा नहीं, कुछ नहीं लगेगा, यहाँ लोप साकल्य से लोप हुआ है, यहाँ तपर तत्काल से वाला नियम कहाँ लागू हो रहा है। ये समझ में आ गया ना, यहाँ या का लोप हुआ है, किसका लोप हुआ है, किसी के दिमाग में ये ना आ जाए ए का लोप हुआ है, वहाँ ए का लोप नहीं हुआ, एक को आदेश हुआ आय, जो आय है पदांत ना, तो उसके यकार का लोप हुआ है, किससे लोप हुआ है, लोपस अकल्यस से लोप हुआ है उसका। आगे आ जाइए, तो ये पूरी लाइन समझ में आ गई ना, तत्मा अतिमात्र मम कृत उत्कंठस्व, किसमें मम कृते वाले में, अच्छा उसके लिए मम में, हाँ आपका ये है ना मम, मम कृते मेरे लिए, कृते शब्द जो लग जाता है वो पूरा का पूरा पद चतुर्थी में बना देता है, कृते मतलब मेरे लिए, लेकिन यहाँ मम जो है ना ये षष्ठी का ही है, मम कृते के योग, हाँ कृते के योग में यहाँ मम तो षष्ठी का वैशो भी है, कृते के योग में षष्ठी ही होती है, तीन तीन होती है सात विभक्तियाँ, क्या याद नहीं आ रहा है पूरा। चलिए नीचे आ जाइए, लिखा है काश्यप, काश्यप सा निश्वासम, लंबी सांस लेते हैं ना, जब शकुंतला अपने पिता से कहती है कि आप क्या, यह जो शरीर है तप के कारण क्या हो जा रहा है, पीड़ित है, तप के कारण आप दुबले पतले हो जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर मेरी मेरे विषय में सोचने की चिंता नहीं है, आप मेरे विषय में ज़्यादा दुखी मत होइए। तो काश्यप, काश्यप सा निश्वास, लंबी सांस लेकर के एक श्लोक है, अंतिम श्लोक है, देखिए लिखा है क्या, समम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजत द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयता। ये शब्द देखिए, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक में महर्षि कर्ण अपने शोक को व्यक्त कर रहे हैं, करुण रस प्रधान श्लोक है, वहीं लिख लीजिए, जब शकुंतला कह रही है कि आप पिताजी आपका शरीर मारे मतलब तप के कारण क्या है, पीड़ित है ना, दुबले पतले हो जा रहे हैं आप तप के कारण, तो मेरे विषय में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तब पिता काश्यप अपनी वेदना को बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सा निश्वासम, मार्ष कर्ण लंबी सांस लेते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है समम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजत द्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोकयता न। यहाँ से देखिए, आप सीधे सीधे दूसरे यहाँ से पहली लाइन से देखिए, लिखा है यहाँ जहाँ लिखा है वत्से, क्या लिखा है वत्से, समम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से, वत्से मतलब शकुंतले, ये पिता काश्यप जब शकुंतला कह रहे हैं, शकुंतला इसके पहले कुछ बात बोली है इसको ना, इनको महर्षि कर्ण को, कि आपका जो शरीर है यह दुबला पतला हो होता जा रहा है, आप तप के कारण अत्यधिक पीड़ित हैं, इसलिए आपको मेरे विषय में सोचने की जरूरत नहीं, इसका जवाब महर्षि कर्ण दे रहे हैं कि समम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से, वत्से पुत्री, यह लिखा है ना वत्से पुत्री, मम शोका मेरा शोक कथम नु भला कैसे, समम एष्यति शांत होगा,
ये पिता कण अपने पुत्री से अपने शोक को व्यक्त कर रहे हैं कि पुत्री वत्से कथम नु निश्चित ही कैसे समम एष्यति, शांत होगा मम शोका, मेरा यह शोक किस प्रकार शांत होगा। बन गया अर्थ ना, मम शोका मेरा यह शोक कथम नु भला किस प्रकार से समम एष्यति, किस प्रकार से शांत होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ से आइए, ये इतने का अर्थ बन गया ना, समम एष्यति मम शोक कथम नु वत्से, वत्से हे पुत्री कथम नु भला कैसे मम शोक मेरा यह शोक समम एष्यति शांत होगा। कौन कह रहा है? पूरी की पूरी लाइन सूक्ति वाक्य है, पूरा श्लोक सूक्ति वाक्य है। ये महर्षि अपने वेदना को बता रहे हैं कि पुत्री मेरा यह शोक भला कैसे शांत होगा ना। आगे लिखा है त्वया आपके द्वारा, त्वया पद से किसका बोध होगा? शकुंतला के द्वारा। तो यहाँ से देखिए, वत्से पुत्री त्वया आपके द्वारा रचित पूर्वम, जो पहले ही किया गया है, लिखा रचित पूर्वम आपके द्वारा, जो आपके द्वारा जो पहले ही किया गया है, क्या किया गया है पहले। आगे लिखा है उटजत द्वार विरूढ़म निवार बलिन, कुटिया के द्वार पर विरोध मतलब उत्पन्न किया गया है, उगाया गया है, क्या निवार वलिम निवार धान्य को ना। तो जो आपके द्वारा त्वया आपके द्वारा रचित पूर्वम, पहले ही जो जो रचित है, जो पहले ही डाला गया है, जो पहले ही क्या है, जो पहले ही डाला गया है, ऐसे उटजत द्वार विरूढ़म कुटिया के द्वार पर उगे हुए निवार वलिम निवार्य धान्य को विलोकयतः देखते हुए, विलोकयता देखते हुए मम शोका मेरा शोक कथम नु निश्चित ही भला कैसे, क्या समम एष्यति यह मेरा शोक कैसे शांत होगा। बन गया ना। इसमें आपको दो तीन चीज़ याद रखने, इसमें छंद कौन सा है आपका? रचित पूर्वम में समास पूछा जा चुका है, रचित पूर्वम में कौन सा समास है? सुप सुपा समास है, ठीक। यहाँ विरूढ़म में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? वि उपसर्ग पूर्वक रोह धातु से एक तप्रत्यय है, वि उपसर्ग पूर्वक रोह धातु से एक तप्रत्यय है, विरूढ़म बना है। और इसमें रस कौन सा है? करुण रस है। इसमें महर्षि कर्ण अपनी वेदना को बता रहे हैं ना, किससे बता रहे हैं? शकुंतला से। शकुंतला से क्या कह रहे हैं कि पुत्री हे पुत्री वत्से हे पुत्री मम शोक मेरा यह शोक कथम नु भला कैसे समम एष्यति समाप्त होगा। त्वया आपके द्वारा, आपके द्वारा क्या पूर्व रचितम, जो पूर्व ही रचित है, जो पूर्व ही किया गया है, क्या किया गया है? लिखा है उटजत द्वार विरूढ़म, जो कुटिया के द्वार पे आपके द्वारा निवार धान्य को उगाया गया है, ऐसे निवार धान्य को देखते हुए भला मेरा शोक कैसे समाप्त होगा। महर्षि कर्ण जब जब आश्रम में प्रवेश करेंगे तब तब शकुंतला के द्वारा उगाया गया निवार धान्य को देखेंगे, तब तब शकुंतला याद आएगी। यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि उस निवार धान्य को देखने के बाद मेरा शोक कैसे समाप्त होगा, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक, आज के लिए इतना ही, कल अभिज्ञान शाकुंतल समाप्त हो जाएगी। भरत वाक्य भी अच्छा बता दें, समाप्त कर दें। अच्छा, एक लाइन और नीचे है, हाँ गच्छ, यहाँ यहाँ देखिए कहते हैं गच्छ जाओ, गच्छ कहाँ का रूप है? जाओ शिवाह ते पंथानः संत, शिवाह ते पंथानः संत, आपका यह मार्ग कल्याणकारी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य पूछी जा चुकी है ना। ये पंथाना कहाँ का रूप है? रूप कैसे चलता है इसका? पंथा पंथानव पंथाना पंथानम पंथानव पथा ना। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विभक्ति एक वचन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जान लीजिए। तो ये सूक्त वाक्य टिक कर लीजिए। आगे है निष्क्रांता शकुंतला सहयाइनश्च, शकुंतला के साथ जो जो जाने वाले हैं दुःशासनपुर, उनके साथ ये लोग क्या करते हैं? निकल जाते हैं। कहाँ? शिवास्ते पंथानः संत, यहाँ ते ते पद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का। कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति। वैकल्पिक रूप है, क्या है, किसका है? इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? युष्मत शब्द का है ना। ते ते मतलब तव, तुम्हारा, तुम्हारा यह मार्ग जो है वह शिवा कल्याणकारी हो गए, ठीक। बस हाँ, बंद कर दें।